Yeah, why you mad? I got a bad bro. Name hot in these streets, no Tabasco. But I'm so stuck, that's a fact, yo. And if you think I'm running, you can run it back, yo. Go on, run it back. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your DNA Rider. So guys, इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि हमने ड्यूक को एकदम अच्छे से मॉडिफाइड किया था एंड हमने इसमें स्टिकरिंग भी लगा दी है. आप देख सकते हो इधर KTM लिखा है, सुपर ड्यूक का लोगो, 1290 एंड यहाँ पर मोटो जीपी की स्टिकर्स लगे हुए हैं. एंड आप लोग एक बार लुक देख लो यार, लुक देखो आप लोग एक बार. से आपने पहले अपने सिनेमैटिक्स भी देख लिए होंगे, फिलहाल अभी तो लिए नहीं है, अभी ले लेंगे. तो यहाँ पर आर्यन भी आ चुका है. और आर्यन भाई कैसे हो? सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितना कितना खर्चा हुआ है, क्या क्या हुआ है. तो स्टिकरिंग में हमारा जो खर्चा आया था वो हमने मोटो जीपी का ये बनाया था एंड ये 1290 और ये आर और KTM. तो इतने में जो खर्चा आया था वो आया था आपका 650 रुपीज़ का कुछ, है ना, 650 रुपये का खर्चा आया था स्टिकरिंग में. एंड जो ये केरला से फ्रेम आए थे ना, फ्रेम सुपर ड्यूक की फ्रेम, तो ये हमें पड़े थे 2200 रुपये के, मतलब 2200 रुपये के. एंड इसको पेंट कराने में लगे 1000 रुपये. तो मतलब ये हो गया 3200 का इसका कुछ, और 3200 प्लस 600 कितना हुआ 800 कुछ, 3800 कुछ हुआ. तो इतना में कुछ, मतलब जितना ही हमने कराया ना, ये और ये और ये इसमें स्टिकरिंग और इसमें कलर, ये 3800 में कुछ हुआ. एंड जो फॉक्स लाइट है ये लगभग है 2500 की, बट ऑलमोस्ट मेरे को फ्री में पड़ी है, बट आप लोग ले सकते हो, आप लोगों को 2500 में मिल जाएगी. आपको जला के दिखा देता हूँ एक बार, ये वाइट में और ये ग्रीन में, और ये इसके ओरिजिनल हेड है. हाँ, ये भी रैप किया गया है. एंड इसमें 120 का आगे का फ्रंट टायर लगा हुआ है Xenoso का, पीछे 180 का रियर टायर लगा हुआ है. इसमें टेल टाइडी लगी हुई है, मैग्नेटिक है ये भी, बड़ा भी फिलहाल बंद नहीं होगी इसलिए थोड़ा से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका थोड़ा ना मैग्नेट अजीब सा हो गया है. तो वो मैं घर देख लूँगा जब टाइम मिलेगा. तो ये मैंने इस पर RTO की ओरिजिनल नंबर प्लेट भी लगा दी थी उसी दिन ही. एंड ये लुक कैसा रहा है? हाँ, ये लुक कैसा लग रहा है गाइस? आगे भी सेम, आगे भी आप लोगों ने देखा होगा ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे भी सेम आगे वाली नंबर प्लेट है एंड पीछे वाली भी सेम नंबर प्लेट है. मैंने RTO से मंगाई थी तो पेयर में आती है, तो मैंने पीछे वाली जो बड़ी वाली होती है वो नहीं लगाई, क्योंकि बार बार टच होकर टूट जाती थी. तो इस बार मैंने आगे वाली ही लगा दी, छोटी हो गई क्योंकि. एंड मैंने इसमें टैंक पैड लगा रखा है अपना, यहाँ पर उसके बटन्स मिल जाते हैं, आप देख सकते हो लाइट्स के बटन. एंड ये आपका TFT में मैंने स्टिकरिंग कर रखी है DNA Rider, यहाँ पर भी DNA Rider टैंक पैंट हो गया. एंड टेल टाइडी हो गई, हैंड बार मिरर्स हो गए हैं, और रेडिएटर ग्रिल है, आप देख सकते हो यहाँ पर इसमें रेडिएटर ग्रिल भी लग रखी है. एंड इसको मैंने ब्लैक स्मोक किया है एंड इसमें रेड DRL क्या इसमें रेड DRL किए भी गए. तो जो ये लाइट्स है ना, इसमें फ़ैन भी लगे हुए हैं, आप लोगों को मतलब मज़ा आ जाएगा. एंड इसमें हज़ार्ड लाइट सिमटेक का फ्लैशर लगा हुआ है, जिससे कि चारों इंडिकेटर चलते हैं. मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, आपको उसके लिए करना है लेफ्ट राइट सेंटर, और ये जल गए, तो आप देख सकते हो जल गए. एंड इसे बंद करने का भी एक ही सिंपल है, कहीं का भी इंडिकेटर दे दो, ये तो लेफ्ट का दो या राइट का दो, राइट का लेफ्ट का दे दिया, इसे प्रेस कर दिया एंड बंद हो गया, सिंपल. बैटरी ज़्यादा ना फूके बंद करें, क्योंकि 390 की बैटरी ज़्यादा जल्दी उड़ जाती है, किसी से भी पूछ लो ये बात तो सच है भाई, उड़ जाती है. एंड यही सब था इसमें, मतलब ऑलमोस्ट खर्चा है. टायर जो हमें पड़ा वो 25,000 का पीछे का, आगे का. अब मैं बोलते रहूँगा ना, तो आप लोग नोट करते रहना कि मैंने अपनी गाड़ी में कितना लगाया. पीछे वाला टायर 25,000 का, आगे वाला टायर 12,000 का, फ्रेम है आपका 2200 रुपये का, और ये जो स्टिकरिंग हुई है ये हुई है लगभग 650 रुपये की. एंड आगे वाला जो ब्लैक स्मोक हुआ है ये हुआ है आपका 200 रुपये का, प्लस रेड DRL जो इसमें स्टिकरिंग रेड कर रखे. गोल्डन फोक्स हुआ है ये भी 200 रुपये के हुए, और ये जो लाइट्स है ये आपकी 2200 रुपये की कुछ पड़ती है ऑनलाइन, या 1500 कुछ 2200 कुछ ऐसी पड़ती है. टैंक पैड आपको पड़ जाएगा 300 रुपये का. एंड क्या, और हैंड बार जो मिरर है ये पड़े थे मुझे 400 रुपये के. रेडिएटर ग्रिल जो है इसमें लगी हुई है वो मुझे पड़ी थी 1200 रुपये की, है ना. और जो 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 इससे पहले जो सर्विस और जो नुकसान, जो टूटता भूटता रहता है, कभी कूलेंट लीक हो गया, तो कभी ब्रेक ऑयल लीक हो गया. पर भाई जो रेडिएटर के खर्चा कर रहा है ना,
वो बहुत ज्यादा है। जो जो वो ऑयल लीक हुआ था हैं, और एक ऑयल लीक हुआ था और एक तो कूलेंट लीक हुआ था। इसने जो परेशान किया ना भाई मेरी, तो सच में बहुत परेशान किया ऑयल को उसने। एंड एक बार इंजन ऑयल खत्म हो गया था, सीज इंजन सीज हो जाता है इसका पता नहीं, हमने हमें देखना नहीं आता था उस टाइम। अब तो मैं देखता हूँ हमेशा हर दिन पे कि कितना है कितना नहीं है लेवल, बट उस टाइम हमें पता नहीं था। मैं RC 200 के हिसाब से चला और इसका इंजन ऑयल इतनी जल्दी गया और भाई गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अगर किस्मत अच्छी थी इस गाड़ी की कि ये सीज नहीं हुई, अगर इंजन ऑयल तुम्हारी गाड़ी का खत्म हो जाता तुम जबरदस्ती स्टार्ट कर रहे ना गाड़ी, तो गाड़ी कम इंजन ऑयल में, तुम कम इंजन ऑयल में भी चलाओगे ना तो गाड़ी इंजन सीज हो जाएगा। कभी कभी तो फट भी जाता है। एक बार दोस्त ना भूमेश कुछ ऐसी नाम था उसका, 6 नंबर में खड़ा होगा था ड्यूटी 20 उसका, तो इंजन ऑयल था नहीं गाड़ी में, रेव कर रहा था। अब हाँ 6 नंबर नहीं 6 नंबर में फटी थी गाड़ी, न्यूज़ में भी आता उसका न्यूज़पेपर में कि 6 नंबर में फटी KTM। तो गाइस उसकी KTM फट गई थी, मतलब इंजन फट गया था एकदम भड़ा, उसकी थाई में यहाँ चोट लगी थी क्योंकि इंजन ऑयल था नहीं और बहुत गर्म हो रही थी और रेव कर रहा था एंड राइड मार के ही आया था वो। तो यही सीन है, इससे पहले वाला मैंने ब्लैक रैप भी करवाया था, आपको लोगों को याद होगा वो ब्लैक रूप, वो भी बहुत प्यारा लगता था, बट उसमें भी लगभग 2-3 हज़ार रुपये तो लगे ही लगे थे। नहीं इससे सस्ता था, अब 3 हज़ार में हो गया था, वो 3 हज़ार में हो गया था काम, 3 हज़ार में काम हो गया था, यही इतना सा पार्ट 3 हज़ार में हुआ इसका। इस बार इस प्यास में लगभग 5 हज़ार तक लगे हैं, लाइट भी तो मजोड़ लाइट भी तो साथ में कर रहा है प्रोजेक्ट डीप 390, इस बार ज़्यादा खर्चा हुआ है। अभी मेरे पास इसकी विंगलेट भी बची हुई है, वो विंगलेट मैं कहाँ लगाऊँ वो सोच रहा हूँ, अभी जगह ही नहीं है क्योंकि गाड़ी पे ना गाड़ी एकदम फुल लोड हो चुकी है। एंड आप लोग उस सब व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, एक मिनट देख लेता कितना। एंड जो इसका DB किलर है वो भी हाइट रखा है, तो एकदम क्रैकल साउंड है, आप लोगों को सुना देता हूँ एक बार, है ना। अरे सब्सक्राइब कर दो, पूरे एड्स देखो। अभी गर्म है, ठंडी है ना गाड़ी, तो धुआं निकल रहा है अभी, तो ऐसी कुछ आवाज़ आ रही है अपनी ड्यूक 390 से। एंड अभी तो भाई यही है कि मतलब मोटा मोटा खर्चा तो हो ही रहा है, एंड अभी इंजन ऑयल भी जब कम हो जाएगा तो उसको भी टॉप अप करना है। 1200 रुपये का मोटुल का कुछ 1 लीटर का आता है, मतलब 1 लीटर नहीं 2.5 लीटर का आता है शायद, 1 लीटर तो 700-800 रुपये का आता है, पर टॉप अप के लिए लेना पड़ेगा जल्दी। एंड पेट्रोल भी इसका बहुत पीती है, ब्रेक ऑयल भी मैंने अभी भी फिल किए थे इसके, आप देख सकते हो ये ब्रेक ऑयल है ना, यहाँ पर रेड रेड सा दिख रहा होगा आपको, नीचे वाला ब्रेक फ्यूड और वहाँ पर भी ब्रेक फ्यूड डाला है मैंने, ताकि ये ब्रेकिंग एकदम अल्टीमेट रहे इसकी, क्योंकि इसमें ख़त्म हो गई थी ऑलमोस्ट, मुझे पता लग रहा था क्योंकि वो सूखा पड़ा हुआ था। एंड बस इतना ही था, व्लॉग अब एंड करने वाले हैं हम जल्दी, तो चलो उसकी छोटी सी एक राइड कर लेते हैं फिर उसके बाद व्लॉग एंड करते हैं। सो गाइस निकलने की तैयारी, एंड होप सो आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। बस एंड होने वाला है तो मैं आप लोगों को चला के दिखा लेता हूँ पहले कैसी चल रही है अपनी दूसरी बार, जैसी चलती चलने में तो वैसी चल रही है जैसी चलती ही है ना। अरे फिलहाल आ रही को स्कूल भी जाना है, एंड ये स्कूल से मतलब मैंने इसको कॉल कर दिया था, ये स्कूल से ऐसे ही आ गया था, तो फटाफट पहनते पहले गाड़ी। यही छोटा सा एक व्लॉग था, आप लोगों को दिखाना था कि कितना खर्चा आया है एंड कितना नहीं आया है। सो यही सीन रहता है, अगर आप लोगों का ड्यूक 390 है तो खर्चा तो हर टाइम होता ही होता है, कभी सर्विस तो कभी कुछ टूट गया तो कभी आपको मॉडिफिकेशन करानी पड़ती है। अब गाड़ी आपने ली है तो आप मॉडिफिकेशन तो करोगे ही करोगे। बाय द वे ये जो लुक है आप लोगों को कैसे लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप बता देना ज़रूर से मुझे। एंड एकदम पूरा सुपर ड्यूक का मैंने जितना हो सके उतना स्टाइल दिया है, एंड मैंने इसको थीम दी है वाइट ब्लैक एंड ऑरेंज, वाइट ब्लैक एंड ऑरेंज। आप देख सकते हो हर जगह वाइट एंड ब्लैक एंड ऑरेंज है। अगर आपको अपनी गाड़ी के लिए भी सेम ये लुक करना है तो आप कर सकते हो, बेझिझक कमेंट सेक्शन में बोलने की जरूरत नहीं किसी को, भाई हम आपकी गाड़ी का लुक अपनी ड्यूक का भी रख सकते हैं तो रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एंड कैसा लग रहा है एक बार लुक आप देख लो, जो ये नीचे ये टी जैसी नंबर प्लेट लगी ना इसकी वजह से तो और लगेगा। सबसे ज़्यादा जो बेस्ट लुक आ रहा है ना वो पीछे से ही आ रहा है, क्योंकि इतना बड़ा टायर एंड नंबर प्लेट लग गई एकदम छोटी वाली, एंड जो साइड का ये और जो साइड में लगा हुआ है एंड वहाँ पर छोटा सा 1290 भी लिखा हुआ है इधर कहीं, ये देखो यहाँ फोकस मारो तो यहाँ पर 1290 भी लगा था, ये बहुत प्यारा लग रहा है। एंड मुझे सबसे ज़्यादा ये लट्टू जैसी लाइट है ना ये बहुत ज़्यादा है। कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको नाइट विजन वाली चाहिए कि ये दोनों रात को कैसा अप्लाई करते हैं, मतलब दिखता कैसे रात को,
तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा एंड मुझे बताना कि ऐसी वीडियो बनाऊं कि मैं लाइक का थ्रो कैसा है, प्लस ये वाला थ्रो भी एंड प्लस ये वाला भी थ्रो भी, ओरिजिनल हेड प्लस ये दो जो छोटे लट्टू है लाइक के। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना ज़रूर से। एंड बहुत सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन की है, कुछ कुछ तो मुझे याद भी नहीं आ रही थी उस टाइम एंड अभी भी याद ही नहीं आ रही मैंने क्या क्या नहीं लगाया इस गाड़ी पे। इतना खर्चा हुआ है ना, मेरी RC से ज़्यादा इसमें खर्च हुआ है, मैंने इतनी मॉडिफाइड की है ना ये। लुक देख लो बस आप लोग कैसी लग रही है, कमेंट्स पे ज़रूर बता देना OP भाई, शेकू भाई कैसी लग रही है। एंड आप लोगों को अगर बुरी भी लग रही होगी ना तो भी कमेंट जरूर से कर देना, अगर बेकार लग रही हो कि बेकार भी लग रही हो, देखो अपना रियल ओपिनियन देना। अगर बेकार भी लग रही हो तो हम एक दो महीने में चेंज कर देंगे लुक, अगर आप लोगों को बेकार लग रहा होगा तो मुझे बस कमेंट सेक्शन में बता देना। जब व्लॉग एंड करते हैं, मुझे पता है क्वालिटी अभी बेकार है क्योंकि मैं फोन से शूट कर रहा हूँ GoPro से नहीं, तो अब व्लॉग एंड करते हैं। किंग ऑफ हेल्प आप लोगों को बाय बाय करती है, कॉमेंट्स जरूर से कर देना, सारे कॉमेंट रीड करता हूँ। लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज योर DNA राइडर साइनिंग, सब्सक्राइब जरूर से करना, ठीक है, बाय बाय।